हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स। आज हम बात करते हैं डाइट के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीक हम आपके लिए अच्छा डाइट प्लान लेके आएंगे। डाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए। गाइस, पहले आप एक बात समझ लीजिए, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं हम अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, हमें उसको रिपेयर करना है। अच्छे रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप अपनी डाइट को अच्छी रखोगे। तो आज हमने आपके लिए सिंपल नेचुरल एक डाइट प्लान बनाया, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डाइट प्लान। ओके, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना फैट कम करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्री वर्कआउट मील की। गाइस, कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं कि वर्कआउट करने चले जाते हैं सीधे ऐसे ही उठ के। हमें सबसे पहले अपनी बॉडी में वर्कआउट करने से पहले आधा घंटा पहले हमें ब्लैक कॉफी में यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लेमन स्क्वीज करें, उससे हमारा एनर्जी बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और हमारी बॉडी जब अच्छा वर्कआउट करेगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। वर्कआउट के बाद, जैसे ही वर्कआउट हमारा फिनिश होता है, उसके 15-20 मिनट के अंदर हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे मसल्स को। तो उसके लिए हम, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग यूज़ कर सकते हैं, 6 egg white, और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग वहाँ पे आधा लीटर दूध ले सकते हैं, नॉन फैट मिल्क, जिसमें फैट कम हो, ना के बराबर। तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, घर पे आके खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं घर पे आके। तो आपको प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, नहीं तो आप जिस तरह का रिजल्ट्स चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपको पूरे दिन में किस तरह की डाइट को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं मील नंबर 1 की। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए आप 6 egg white लें वर्कआउट के 1 घंटे बाद। जैसे पहले आपने मिल्क या अंडे कंज्यूम किए हैं, उसके 1 घंटे बाद आप अपने 6 egg white साथ में एक ऑरेंज ले लें। ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो आप एप्पल ले सकते हैं। उसके साथ 8 to 10 almond आप लें, ये आपका मील नंबर 1 होगा। आप इसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, थोड़ा फैट भी मिलेगा, हेल्दी फैट, और थोड़ा सा आपको इसमें विटामिन सी, जैसे कि मैंने बोला है, ऑरेंज आप ले सकते हैं। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको हेल्प मिलेगी इसमें, और विटामिन सी आपके फैट लॉस में भी आपकी हेल्प करती है। अब हम चलते हैं मील नंबर 2 पर, जो कि है सैलड। आप सैलड में, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन ऐड कर सकते हैं 2 ग्राम, 24 to 25 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो पनीर ऐड कर सकते हैं। सैलड में आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आप गाजर ले सकते हैं उसमें, ब्रोकली ले सकते हैं, और उसके अलावा आप ग्रीन बीन्स ले सकते हैं। इसमें आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग छोले चिकपीस ऐड करें, थोड़ा सा उसमें आपको फाइबर मिल जाता है। तो आपका ये मील नंबर 2 हो जाएगा, काफ़ी हेल्दी है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एवरी मील हम 24 to 25 ग्राम प्रोटीन बैलेंस करके चल रहे हैं। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है हमारी मसल ग्रोथ के लिए और हमारे फैट लॉस के लिए भी। गाइज, अब हम चलते हैं मील नंबर 3 पर, जो कि होगा आपका पनीर भुर्जी। जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर भुर्जी, पनीर ले 100 ग्राम, उसकी भुर्जी बनाएं, साथ में उसमें स्पिनिच पालक ऐड कर सकते हैं आप। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो 6 अंडे ले, उसकी भुर्जी बनाएं, उसमें पालक ऐड करें। बहुत हेल्दी मील है, 24-25 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल रहा है। स्पिनिच मैंने इसलिए ऐड करवाया है, स्पिनिच से क्या होगा, आपकी जो वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाएगी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी फैट लॉस में। अब हम बात करते हैं मील नंबर 4 की, जो है आपका, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सोयाबीन ले सकते हैं, किसी भी जनरल स्टोर पर आपको मिल जाएंगे सोयाबीन चंक्स, पैकेट में आती है। उसके साथ आप वेजिटेबल ऐड करें, कुक करें उसको। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो 200 ग्राम चिकन लें, उसको ऐड करें वेजिटेबल के साथ, और उसको आप ईट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 20 to 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा फाइबर भी मैंने ऐड कराया। इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं मील नंबर 5 की। सोने से आधा घंटा पहले रात में आप 500 ml नॉन फैट मिल्क यूज़ करें। उसके साथ आप 10 to 12 almond लें, और आप दोनों तरह से ले सकते हैं, वॉर्म मिल्क भी ले सकते हैं और कोल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, एज पर ऑन योर टेस्ट, जैसा आप चाहते हो वैसा ले सकते हैं आप। तो गाइज, ये आप प्लान फॉलो करोगे 40 to 45 दिन, इसी तरह से जैसे आपने लास्ट वीडियो हमने पूरे वर्कआउट की बनाई है, वर्कआउट को फॉलो करते करते आप इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, आपका वेट भी कम होगा, आपका फैट भी कम होगा, और आपकी बॉडी में एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। ओके गाइज, ये था आज का डाइट प्लान। दोनों कैटेगरी हमने इसमें ऐड किया है, नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस। ये बिल्कुल नेचुरल डाइट प्लान है, इसमें किसी भी तरह का हमने कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं किया है। इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।